आज से धन्यवाद यात्रा निकालेगी कांग्रेस, वोट देने के लिए जताएगी जनता का आभार, रायबरेली और अमेठी जाएगा गांधी परिवार। लोकसभा चुनाव में मंत्रियों सांसदों के खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट तैयार कर रही बीजेपी, योगी ने खुद लिया फीडबैक। ओडिशा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, 12 जून को पीएम मोदी की उपस्थिति में सीएम की शपथ। लोकसभा चुनाव के बाद 11 जून को ममता बनर्जी की पहली प्रशासनिक बैठक, ले सकती है कई बड़े फैसले। क्या दोबारा होगी नीट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 रिजल्ट को रद्द करने की मांग, आज होगी सुनवाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट का निकाय चुनाव को लेकर सख्त रुख, सरकार से मांगी तारीख, आज होगी अगली सुनवाई। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के बाद अब राकेश टिकैत ने बुलाई पंचायत, आज किसान नीतियों को लेकर होगी बैठक। एक्शन मोड में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, 11 जून को रांची के प्रोजेक्ट भवन में सभी विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार बंगाल तक आसमान से बरसेगी आग, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को लो स्कोरिंग मैच में हराकर किया शर्मसार, टीम इंडिया का तोड़ डाला बड़ा रिकॉर्ड। चीन के पार्क में 4 अमेरिकी शिक्षकों पर चाकू से हमला, ड्रैगन ने कहा हम अमेरिकी दूतावास के संपर्क में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में खाई में गिरा वाहन, एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। गजा में खूनी जंग रोकने के लिए अमेरिका ने रची बड़ी योजना, कहा युद्ध विराम के लिए हमास पर दबाव डाले अरब देश। हूती देशद्रोहियों ने दुस्साहस करके वीडियो में कबूली हरकत, कहा हमने अदन की खाड़ी में 2 जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से मारा। मालदीव की मौजूदा सरकार ने फिर चली भारत विरोधी चाल, अब 4 रक्षा समझौतों की जांच करेगा मालदीव। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हेरफेर रोकने के लिए सेबी सख्त नियम कड़े करने की चल रही तैयारी। म्यूचुअल फंड इनफ्लो उच्चतम स्तर पर पहुंचा, मई में निवेश 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ इन्वेस्टमेंट। निर्मला सीतारमण को फिर मिला वित्त मंत्रालय, इस बार पहले से ज्यादा रहेंगी चुनौतियां। एप्पल और ओपन एआई की पार्टनरशिप से नाराज हुए एलन मस्क, कहा बैन कर दूंगा एप्पल डिवाइस। गोरखपुर से दिल्ली मुंबई के लिए उड़ान शुरू करेगा स्पाइसजेट, आज जारी होगा शेड्यूल, उड़ानें बंद कर अयोध्या शिफ्ट हो गई थी एयरलाइंस।